इंडियन रेलवे में 10वीं पास अभ्यर्थियों के लिए निकली बंपर भर्ती। 4000 पदों पर 10वीं पास और 12वीं पास कर सकेंगे आवेदन। नमस्कार दोस्तों, रेलवे में अगर आप नौकरी पाना चाहते हैं तो आप सभी युवाओं के लिए रोजगार का एक और अवसर आपको मिला है। इस अवसर का लाभ उठाकर आप नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। आपको बता दें कि RRC ने तमाम अभ्यर्थियों के लिए इंडियन रेलवे रिक्वायरमेंट 2023 नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके लिए अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। इस नौकरी वीडियो में हम दिखाएंगे कि किस तरह से आप इस नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें कि रेलवे द्वारा निकाली गई डी और ग्रुप सी की भर्ती के लिए आवेदन 28 अक्टूबर से आरम्भ हो चुके हैं, और अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है तो आप 28 नवंबर तक इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। और सीमा शुल्क की बात करें तो इस भर्ती के लिए जनरल के लिए 500 रुपये, EWX के लिए 500 रुपये, OBC के लिए 500 रुपये, SC के लिए 250 रुपये, ST के लिए 250 रुपये, फीमेल व PWD के लिए 250 रुपये फीस निर्धारित की गई है। आयु सीमा की बात करें तो इस भर्ती के लिए आयु सीमा 18 से 25 वर्ष होनी अनिवार्य है। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो इस भर्ती के लिए अभ्यर्थी द्वारा 10वीं या 12वीं पास कैसे कर सकेंगे इस भर्ती के लिए अप्लाई। इस भर्ती के लिए आवेदन करने के लिए आपको रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट जो स्क्रीन पर दिखाई दे रही है RRCMAS.in पर जाना होगा। वहां पर आपको एक रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिखाई देगा। अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो वो आप पुरानी आईडी भी डाल सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको वहां पर क्लिक करने के बाद अपनी पूरी जानकारी उस फॉर्म में भरने के बाद आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। इस तरह से आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में आपको फॉर्म संबंधी साइट भी मिल जाएगी, इसके जरिए आप सीधा साइट पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। धन्यवाद।